बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बार जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, वॉलंटियर्स का भी व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे क्यू बढ़िया से लगा हुआ है पुरुष महिला का, पानी पिलाने का भी व्यवस्था है, तो कुल मिलाकर जो है इस बार व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से वोट हो गई है। तो इस बार जो है कि विकास को लेकर मुद्दा बना है वोटिंग का, या फिर और अन्य मुद्दों को लेकर मतलब वोटिंग की जा रही है? देखिए, मुद्दा तो विकास का हमेशा रहता है, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर जो है, हाँ, इसी पर जो हम लोग जो वोट दे रहे हैं। तो हम लोग राजमहल क्षेत्र में कितना विकास का काम हुआ है, इसको लेकर क्या? जैसा होनी चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है, और भी पाकुड़ जिला में जो है फ्लाईओवर का जरूरत है, काफ़ी जैम लग जाती है, इस सब का जो है दूर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार जो आप लोग मतदान कर रहे हैं, तो इस बार आशा है आप लोग को कि विकास जो कमियां है वो विकास हो पाएगी? बिल्कुल, हम लोग जो है पूरा उम्मीद करते हैं कि इस बार विकास हो, वैसे ही हम लोग इस बार जो है वैसे सांसद हम लोग चुनना चाहते हैं कि जो है हम लोग का जो है मार्केट में, बाजार में विकास करे, लोगों की समस्या दूर हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्युत कांति सरकार है, मैंने अपना वोट भी सर कर दिया है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने देश के विकास के लिए फर्स्ट टाइम वोट करने आया हूँ। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? जी, इसका मेन मुद्दा तो विकास है, और साथ में ही जितना भी हेल्थ केयर है और ये एजुकेशन पॉलिसी है, उन सब का भी एक मेन मुद्दा है, क्योंकि आप यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर उतनी अच्छी नहीं है, यही यहाँ का मेन मुद्दा और विकास। तो इस बार आप लोग तो फर्स्ट टाइम का है, तो क्या लगता है इस बार मतलब पूरे देश में विकास की बयार बहेगी, या फिर राजमहल लोकसभा क्षेत्र में विकास होगी? हमारा तो यही उम्मीद है कि इस बार जो हम वोट करने आए, इससे कुछ विकास हो, इसी कारण तो हम वोट करते हैं, इसी के लिए तो हम वोट करते हैं कि हमारा जो इलाका में कुछ विकास हो, सब कुछ सब व्यवस्था अच्छे तरह से। आपने वोट दिया? हाँ जी, वोट ठीक है, महसूस हो रहा है। तो कैसा लग रहा है इस बार का जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल है? माहौल ठीक है सब। तो मतलब क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में जा रहा है मतदान वगैरह इसका? ये कहा तो मुश्किल है अभी। और इस बार मैंने जैसा कि विकास के को लेकर मतदान किया जा रहा है, या फिर जात पात धर्म के आधार पर मतदान किया जा रहा है? क्या जात पात पर तो नहीं, विकास को लेकर मतदान कर रहे हैं अभी तक तो ठीक है, पता नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो बूथ में आए आप लोग, वहाँ किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं? सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई है, जिला प्रशासन की ओर से? इस बार क्या लहर है कोई राजमहल लोकसभा में? वो कैसे बताएंगे, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है।